और फिर दिल्ली तक का भी आया, इसलिए हम देश में भी आया क्योंकि हम पाकिस्तानी मुस्लिम मैंने इसलिए कहा कि अकलियतों का मुल्क है, मैं आपको वजह बताता हूँ। क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो मुसलमान भी किए थे, मसीह भी किए थे। तो जो गांधी साहब थे, गांधी ने डॉक्टर अम्बेडकर को, जो कि लोग का हिंदुओं के जिनको हिंदू नहीं मानते थे लीडर थे, तो गांधी ने मजबूर किया डॉक्टर अम्बेडकर को ये कहने पर कि तुम कहोगे तुम हिंदू। वो जो 65% आबादी थी हिंदुस्तान की, उनको उसने फोर्स किया कि तुम कहो कि तुम हिंदू हो, ताकि ज़्यादा बड़ा एरिया बाहर उनके साथ चला जाए। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जो चार्ज आते हैं उनमें तो तुम्हें गिनते नहीं, हम तो हिंदू तुमने कभी माना नहीं। तो फिर उसने कोई धमकी दी कि मैं रोजा रखूँगा, अगर उसको कुछ होता तो वो हिंदू थे उनकी नजर साफ करते हैं। फिर उन्हें मजबूरन कहना पड़ा कि ठीक है हम हिंदू हैं, दुष्कार के सवाल ही आ। लेकिन कायदे आजम ने ऐसा नहीं किया था, कायदे आजम क्रिश्चियन लीडर्स के पास गए थे, उन्होंने कहा था कि ये हम भी मिनोरिटी हैं, तुम भी मिनोरिटी हो, हम एक दूसरे के दर्द को बेहतर समझेंगे, तुम्हारा साथ दो। तो ये बड़ा फर्क है उन दोनों लीडरों में। आज भी जो दलित लोग हैं, आज भी वो गांधी से नफरत करते हैं, उसको इतना पसंद नहीं करते, लेकिन हम कायदे आजम से बड़ा प्यार करते हैं। वो एक रीजनल लीडर थे, उन्होंने ऐसा पाकिस्तान देखा था जिसमें मसीही अपने चर्चेस में जाने के लिए आजाद होंगे, हिंदू अपने टेम्पल में जाने के लिए। तो ये पाकिस्तान है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं। और ये हमारे साथ जो दोस्त हैं, हमारे साथ जमात इस्लामी की भी मुस्लिम भी है, हमारे पास शासक होकर पी टी एम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे पास डी पी है, हमारे पास उर्मा से भी है, कुल मसाले मोहम्मद बोर्ड के चेयरमैन हमारे साथ हैं, और ह्यूमन राइट्स ए टी एस के चेयरमैन हमारे साथ हैं, और ये हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं नासिर है, साजिद है, फ्रांसिस हैं, और हमारे जो ट्रस्ट है ये सब भंडार साहब आज हम भंडार साहब आप यहाँ के करते हैं। तो हम केक काटने लगे हैं इस बात के लिए कि हमारा मुल्क सलामत रहे, लाइफ की खुशहाली इराक की इजाजत करें, और ये जो मुश्किलात हैं जो ख्वाहिशें जहाँ से मुश्किल, ये जो सारी दुनिया से सारा प्यारा मुल्क है ये तरक्की कर रहा है। अभी सिर्फ कि ये बात करूँगा कि जब क्रिसमस आती है तो क्रिश्चियन का प्रोग्राम होता है, हम यकीनी के लिए आते हैं, और जब ईद उल फितर और ईद उल अज़हा आती है तो क्रिश्चियन और हिंदू और सिख हमें यकजहती के लिए हमारे पास आते हैं, हमें मुबारकबाद देते हैं। पिछले आज़ादी का ऐसा दिन है, ये हम सब को कुछ रखा देते हैं, इसमें हम किसी के साथ यकजहती के लिए आते हैं, बल्कि हम ये नारा लगाने के लिए आते हैं कि इस परचम के साए चले, हम एक हैं, बराबर की हैसियत रखते हैं और बराबर के इस परचम को थामने वाले हैं। हमारे साथ यजमान साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी तमाम बहनों का, भाइयों का और बिलखसूस हमारे बहुत ही काबिल एहतराम, सच्ची बात यह है कि हर खुशी के मौके पे ये हमें याद रखते हैं, और इनकी यही मोहब्बत है कि जिसकी वजह से ये हमारे दिल में फंसते हैं। जब ये हम कहते हैं हाजिर होते हैं, मेरे भाई ने बात ठीक है कि ये कोई हम सब का है, बिलाशुबा सारे अपने अपने दीन के ऊपर है,
हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के रसूल थे और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के पाक नबी रसूल थे। हम एक किताब को मानने वाले लोग हैं, एक रब को मानने वाले लोग हैं और स्कूल के लोग शहरी हैं, तो हम सब के स्कूल पर एक ऐसा बराबर का हक है। तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन हम सब का दिन है और हमें अपने रब से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखे, अल्लाह स्कूल को तरक्की दे और इसके बसने वाले हम लोग हैं वो खुश रहें, इंशाल्लाह आबाद रहें और ये मुल्क ताकि हम किसी तरह से जिंदा मौजूद पैदा कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह से आज पाकिस्तान के माननीय बड़े सदर नौजवान लीडर है बहुत शुक्रिया आपका। आप सभी जिंदा चार मैं आप सबसे स्वागत करता हूँ और जैसे कि लोग जानते हैं कि 14 अगस्त हम आजादी का 1947 में हमारा यह पहला पंथ आज़ाद हुआ था और ये मुल्क आज़ाद करने में जैसे सिंगर साहब ने उस वक्त पंजाब का वोट जो है वो अपना वोट पास करके पंजाब को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया था, साथ दिया था। तो आज की तकलीफ करते हुए हम मनाते हैं ये पाकिस्तान और हम सब ने मिल के इसके साथ अपना तय कर रहे हैं पाकिस्तान के नाम। डॉक्टर मजीद अहमद साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि हर खुशी के मौके पर और हर ट्रायल के मौके पर यहाँ पर हम सब लोगों को जमा करते हैं, अगर मसला हो तो मसले के हल के लिए काविश करते हैं और खुशी का मौका हो तो उसे भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो पहले तो मैं इनको दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके इस्लाम का जो सबक है वो ये है कि तमाम इंसानियत से मोहब्बत की जाए, अल्हम्दुलिल्लाह जो मखलूक है जितने भी इंसान हैं वो अल्लाह का खानदान है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम में से बेहतर वो है जो दूसरे इंसानों के काम आता है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक दूसरे से मोहब्बत करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है और ये तफरी भेदभाव करने वाले बहुत थोड़े हैं और रोज़ बरोज़ अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तादाद कम हो रही है और मोहब्बत के कारवां बड़े होते जा रहे हैं, एक दूसरे से मोहब्बत को फ़रोग मिल रहा है और इसमें डॉक्टर मुजीद एबल का भी एक बहुत बड़ा किरदार है और जनाब अलामा आसिफ मखदूम साहब का बड़ा किरदार है और जो लोग भी दिलों को जोड़ने के लिए कोशिशें कर रहे हैं उन सब के लिए भरपूर क्लैपिंग कर रहे हैं। सारी साहब मैंने बोला उनके आसिफ साहब की तरह मेजबान होते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहूँगा। उसके बाद हमारे पास हमारे जो नेक्स्ट न्यूज और यू न्यूज से जो हमारे दोस्त हैं साजन और साजन साहब और नासिर सर ये क्लास रहमान रहीम। सबसे पहले तो उसमें रिवायत मैं अलग साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये हकीकत है कि एक अक्सर दराज से डॉक्टर साहब की तहसील हुए और हर इवेंट में हम भी यहाँ पर हुए हम भी आज का दिन तो खसूसी तौर पर इस वजह से सबकी हकीकी खुशियों का दिन है कि आज का दिन ना ईसाइयों का दिन है ना मुसलमानों का।
का दिन है, ना हिंदुओं का दिन है, बल्कि ये पाकिस्तानियों का दिन है। और पाकिस्तानी पाकिस्तान के आज़ाद होने की हैसियत से, पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमारी सबकी खुशियाँ जगजा हैं और हम इस पर एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश करते हैं इस दुआ के साथ कि ये पाकिस्तान भले भूले इसमें खुशहाली हो, इसमें लोग जो हैं उनके चेहरे चमकते और दमकते रहें और उनकी औलादें जो हैं बहुत ज़्यादा ना तरीके से इस पर अपने माश के असूल के लिए और अपने जिंदगी को गुजारने के लिए अच्छा बेहतर माहौल फराहम कर सके। बहुत शुक्रिया सर। मेरी पहले तो सबसे ये गुजारिश कि ये जो आपका चर्च है इसका नाम बताए, इसका नाम क्या है? ये आमतौर पर पूरी पाकिस्तान से दुनिया में लौ लखा चर्च के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब आपके चेहरे देख रहा हूँ और आप सब लोगों को देख रहा हूँ तो ये लौ लखा नहीं बल्कि सौ लखा चर्च है। तो आप सबके लिए बहुत दूरदार हूँ। और जब आपके दो तीन महीनों के बाद जब आपने अपना 150वां साल जो सेलिब्रेशन का है नौलखा को बने हुए जब आप इसको मनाएंगे तो मैं आपको याद कराना चाहता हूँ आज के जमाने आजादी के दिन कि पाकिस्तान जो 75 साल का है नौलखा उससे 75 साल बड़ा है। यानी नौलखा जो है और जो यहाँ के क्रिश्चियन हैं जो आपकी कलीसिया है ये पाकिस्तान के बुजुर्गों की कलीसिया है, पाकिस्तान के मसीह बुजुर्गों की कलीसिया है, क्योंकि आप सबका प्राइड भी है। मैं पास्टर मजीद अहमद साहब का, आसिम अब्दुल साहब का, मोहम्मद रज़वी साहब का, सुहेल साहब का और बाकी सारे दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो इस तरह की महफिल से जाते हैं और किसी भी तरह के हालात में, कोई किसी भी तरह के हालात में, जंग हो या अमन हो, नौलखा चर्च की तरफ से हमेशा अमन का पैगाम जो है वो आता रहता है। आप सबका शुक्रिया। और यौम आज़ादी पाकिस्तान, पाकिस्तान, जरा हम ऊंची आवाज में पाकिस्तान, पाकिस्तान। जी मैं डॉक्टर साहब को बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, डॉक्टर साहब का जिन्होंने इन सारे दोस्तों को बुलाया और नेशनल न्यूज़ की टीम को बुलाया और नेशनल न्यूज़ की तरफ से मैं सारे मसीही भाइयों को, बहनों को और पूरे पाकिस्तानी को नशे आज़ादी मुबारक कहता हूँ। जाएंगे उस टीम के दौरान हम एक पार्टी में और अगर आप लोग चाहें के बाद में आप लोग भी आके एक बार टीवी तो आपके मौका होगा। पहले हम अपने मेहमानों को सब देखा सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम खुदा की खास रहमत है बुजुर्गों की बशारत है, कई नस्लों की कुर्बानी कई नस्लों की मेहनत है। खुदा की खास रहमत है बुजुर्गों की